हाँ तो चलो क्लास आगे बढ़ाते हैं। ये लिखा है जनरल टू डिग्री इन एक्स एंड वाई। ये बेटा टू डिग्री का एक्चुअली यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है पावर टू। एक्चुअली मैंने ये सिंबल फॉर्म में लिखा है, वैसे इसका मतलब है जनरल टू एंड डिग्री वर्ड, यानी कि द स्क्वेयर पावर वाली टर्म्स, स्क्वेयर पावर वाली टर्म्स। x का बेटा स्क्वेयर, x और y की मिलाकर बेटा पावर दो हो गई तो स्क्वेयर है, यानी कि जनरल टू डिग्री इक्वेशन। तो ये अपने आप पे बेटा जनरल टू डिग्री इक्वेशन होती है। इसके अंदर आपके बेटा जो सबसे बड़ी पावर होगी वो दो होगी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जनरल टू डिग्री है। तो बेटा ये आपका जो है कहते हैं एक जनरल इक्वेशन इन टू डिग्री कुछ इस तरह की होती है, उसमें टू डिग्री वाली टर्म्स भी होती है बेटा और सिंगल टर्म्स बेटा होती है, सिंगल डिग्री वाली और कांस्टेंट टर्म भी होती है। ठीक है, इसका एक ये बेटा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह का होता है (ax²+2hxy+by²+2gx+2by+c)। इसे हम बोलते हैं जनरल टू डिग्री इक्वेशन या एक्सप्रेशन यू कैन से इन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये अपने आप में फैक्टराइज हो जाता है दो लीनियर इक्वेशंस में। आपको बात समझाता हूं कि अल्टीमेटली ये लिखा क्या है। आप एक काम करें, आप ये दो इक्वेशन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कुछ ऐसा ही आएगा, कुछ इस तरह की फोटो आएगी। आओ चेक कर लेते हैं, यहाँ x स्क्वायर का टर्म है, यहाँ y स्क्वायर का टर्म है, x y का टर्म है, x का टर्म है, y का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। आओ ये बात फील कर लेते हैं। देखो x स्क्वायर का टर्म आ गया था, y स्क्वायर का टर्म भी आएगा, x y वो भी आएगा था, प्योरली x आएगा, प्योरली y भी आएगा और कांस्टेंट भी आएगा था। यही बात वहां लिखी है, अल्टीमेटली दो लीनियर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके एक जनरल टू डिग्री बनता है। ठीक है, यानी कि अगर एक जनरल टू डिग्री दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके बनता है तो कॉमन सेंस की बात है कि एक जनरल टू डिग्री दो लीनियर इक्वेशंस में फैक्टराइज हो जाएगा। लेकिन बेटा कुछ कंडीशन होती है जिसके बेस पर ये दो इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशंस में फैक्टराइज होता है। देखो बेटा कंडीशन ऑफ जनरल टू डिग्री इन एक्स एंड वाई टू बी रिजॉल्व, ये फैक्टराइज हो जाएगा दो लीनियर फैक्टर्स में। कंडीशन ये होती है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर का बराबर जीरो। अगर ये वैल्यू जो कि इक्वेशन में आपको मिलेंगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेटा ए होगा, एक्स वाई का टू एक्स वाई का कोएफिशिएंट एच होगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी कहलाएगा, टू एक्स का कोएफिशिएंट जी कहलाएगा, टू वाई का कोएफिशिएंट एफ कहलाएगा और ये आपका कांस्टेंट टर्म सी है। अगर ये वैल्यू जीरो होती है तो हमारी जनरल टू डिग्री दो इक्वेशंस में फैक्टराइज हो जाएगी। इसे याद करने का तरीका बेटा बड़ा सिंपल सा है, आप एक काम करें, देखो आपको टू अपने आप याद करना पड़ेगा, आप लिख लें बेटा ए बी सी और एफ जी एच। देखो मेरे कहने का तरीका ये है, थोड़ा सा आपको प्लस माइनस याद करना है, बाकी इससे आपको बड़े प्यार से याद रहेगा। ए बी सी प्लस टू एफ जी एच, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस में ए एफ स्क्वायर माइनस में बी जी स्क्वायर टोटल माइनस में सी एच का स्क्वायर। फिर से बात सुन लो, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच का स्क्वायर। ये वैल्यू अगर जीरो आती है तो आपका जनरल टू डिग्री दो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज हो जाएगा। अभी आपको बड़ा फील नहीं आएगा, आओ पहले एक सवाल करते हैं तो एग्जांपल से आपको बात समझ आ जाएगी। ये बेटा आपके स्टेप्स हैं, पहले आप जो प्योरली टू डिग्री पार्ट है उसको फैक्टराइज कर लो, मतलब पहले बेटा सिर्फ इतने पार्ट को फैक्टराइज कर लो, इसको इसे बोलते हैं प्योरली, क्योंकि यहाँ का आपकी वन डिग्री टर्म नहीं है, ये प्योरली टू डिग्री टर्म है, इसको फैक्टराइज कर लो। इसको अपना फैक्टराइज करने के बाद आपके जो दो लीनियर फैक्टर आए हैं प्योरली टू डिग्री वाले, उनमें आपका दोनों में अननोन कांस्टेंट दो ऐड कर लें,
फिर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और अपने दिए गए क्वेश्चन के कोएफिशिएंट कंपेयर करके बाकी जो अननोन कांस्टेंट आप ऐड करेंगे उनके ऊपर वैल्यू निकल जाएगी। देखो अभी सवाल से कराता हूँ तो आपको ये स्टेप्स समझ आएंगे। फिर ए का मान 2 बेटा और आपका ये एच का मान है, एच का मान 3/2 है बेटा, बी का मान 1 है और आपका जी का मान 1 है बेटा, एफ का मान 3/2 है और आपका सी का मान 1 है। आपको बेटा कहते हैं प्रूव करना है कि ये फैक्टराइज हो जाएगा और आपको वो फैक्टर निकालने भी हैं। देखो
हाँ तो बता, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द एक्सप्रेशन x² - 3xy + 2y² - 2x - 3y - 5 = 0 कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स एंड फाइंड इट। चलो चेक कर लेते हैं। अरे एक मिनट यार, ओ सॉरी, पहले चेक तो कर ले कि ये फैक्टराइज कर हो तो गया है, लेकिन मैंने बिना चेक के ही कर दिया, माना कि फैक्टराइजेबल था, लेकिन आपका कंडीशन चेक करना बहुत जरूरी है। चलो मैं वो काम यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ कर लेते हैं। ABC + 2FGH, हालांकि इसका ये आंसर तो जीरो ही आएगा, फिर भी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेक करोगे तभी आगे बढ़ोगे। चलो तो हाँ लेते हैं चेक टू, और B क्या है और C क्या है, एक 2F, F क्या था, G क्या है 3/2 और H क्या है 3/2 माइनस A, A 2 है, F का स्क्वायर 1 और माइनस B G स्क्वायर B और G क्या है, G है 3/2 9/4 आएगा, C A का और H क्या है, H है आपका 3/2 9/4 आएगा, कितना 2 ये 2 कट गया था, कितना आएगा 9/2 आएगा, ये बटा माइनस का 2 आएगा 9/4 बटा माइनस 9/4, ये 2 कट गया बटा ये 9/4 बटा 9/4 अल्टीमेटली मिलकर ये 9/2 माइनस का आएगा, तो ये बटा इससे कट गए, ये 0 आ गया। हाँ ये फैक्टराइजेबल था और हमने फैक्टराइज कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। x² - 3xy + 2y² -2x - 3y और -35 -35 = 0 किसी पर ट्रेस करना है का मान 2 है बेटा, C का मान -35 है, 2H अपने आप में -3 है, तो बेटा H का मान -3/2 आएगा, बेटा आपका 2G जो है वो -2 है, तो बेटा आपका G का मान माइनस का 1 आएगा, और आपका 2F जो है वो कितना है -3 है, तो आपका f का मान कितना आएगा -3/2। a b c बटा और आपका f g h आ गया, हम चेक कर लेते हैं। a b c 2 f g h माइनस a f स्क्वायर माइनस b g स्क्वायर माइनस c h का स्क्वायर, इसका मान निकाल लेते हैं। a का मान 1, b का मान 2, c का मान माइनस का 35, f का मान कितना है बेटा, f का मान -3/2 है, जी करता है जी आपका माइनस का 1 है और आपका एच है माइनस का 3/2, ए करता आपका ए 1 है और एफ है आपका -3/2, उसका स्क्वायर आएगा 9/4 माइनस बी, बी का मान 2 है बेटा और जी जी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस सी, तो सी का मान -35 और बेटा एच का स्क्वायर 9/4 आएगा। चेक कर लेते हैं, माइनस का 70 ये कट गया, तो ये बेटा आपका अल्टीमेटली माइनस का 9/2 आएगा, माइनस का 9/4 माइनस का 2 बेटा प्लस का 35 नाइन जा 315 बटे 4। चलो
एलसीएम ले लेते हैं, 4 आएगा, ये आपका 280 आएगा, ये 18 का और ये आपका 9 आएगा, और ये माइनस का 8 आएगा, और ये आपका प्लस का 315/4, ये भी 315 आ रहा था, ये अल्टीमेटली 0 आ गया। हाँ, ये फैक्टराइज हो जाएगा। चलो अब फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 3
माइनस कॉमन निकाला, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, दोनों सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा बेटा, माइनस का a आएगा और यहाँ माइनस का बेटा 5 आएगा, बेटा अगर a आपका प्लस का 5 है तो b आपका माइनस का 7 आ जाएगा। अब ठीक है, a का मान 5, b का मान 7 लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं, इफ द इक्वेशन x2 + 16y2 - 3x + 2 = 0 इज सेटिस्फाइड बाय रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, देन शो दैट, आपको साबित करना है कि बेटा x की वैल्यू यहां से यहां तक लाई जाती है और y की बेटा वैल्यू यहां से यहां तक लाई जाती है। चलो एक काम करते हैं, एक बार x में बना लेते हैं क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 16y स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अगर बेटा ये x में क्वाड्रेटिक है और इसके बेटा रियल वैल्यूज हैं तो इसका d क्या होगा, मोर देन 0 होगा, इक्वल बेटा और मोर देन 0 होगा। यहां लिखा हुआ है कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो इसका d बेटा क्या होगा, मोर देन इक्वल मोर देन 0 और इक्वल टू 0, इक्वल टू और मोर देन 0, ठीक है। अच्छा चलो इसका d निकालते हैं, इसका d क्या आएगा, b का स्क्वायर 9 माइनस 4 a1, तो बेटा c कितना है 16y स्क्वायर माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 64 बेटा y स्क्वायर, तो कितना आएगा आपका 8। ऐसा मान ले जाओ, चलो कोई काम करते हैं, लेस कर लेते हैं, कितना आएगा 64y प्लस स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0, ये बेटा वहां चला गया डबल वहां लेस देन इक्वल टू 0, तो ये टूट जाएगा 8y माइनस 1 था और 8y प्लस 1 में आप 8 से डिवाइड कर लें तो बेटा इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, y माइनस 1 बाई 8 और y प्लस 1 बाई 8। अब बेटा लेस देन की इनइक्वालिटी का आंसर होता है छोटे रूट से बड़ा रूट, माइनस 1 बाई 8 से बेटा प्लस 1 बाई 8 आएगा। देखो हमने x में अगर बेटा क्वाड्रेटिक बनाई तो y की वैल्यू आ गई, अब हम इसे बेटा अगर y में बनाएंगे क्वाड्रेटिक 16y स्क्वायर, अब बेटा यहां पर y का कोएफिशिएंट नहीं है तो हम इसे लिखेंगे 0 * y, बाकी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर बेटा ये y में क्वाड्रेटिक है तो ये हमारे लिए सारा कांस्टेंट टर्म हो गया, अब क्योंकि बेटा y भी रियल है तो d अगेन क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 0, b इक्वल टू b 0 है तो 0 माइनस 4 a 16 का और c कितना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मोर देन इक्वल टू 0, द माइनस 64 से डिवाइड कर लो तो बेटा आपके इनइक्वालिटी का सिंबल जो है पलट जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 फैक्टराइज कर लो x माइनस 1 x माइनस 2, आंसर आएगा छोटे रूट से बड़ा रूट, ये बड़ा आंसर आ गया। लिखो